वाह, सारे गिफ्ट तैयार हो गए, सिर्फ नाम लगाना बाकी है। ठीक है, हाँ, शांता मशीना 101। थैंक गॉड फोन गिर के कट गया, किसी को दिखाई दे जाता तो अभी 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। लो, पहले खुद आ गई, अब भांजी भी आ गई, धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों को बुला लेगी। अरे लीला, दुनिया की किसी बात को तो बात रहने दो, हर बात का बतंगड़ क्यों बना देती हो? हाँ दीदी, इतनी टोका टोकी तो है ना, कोई टोकियो में भी नहीं करता जितनी तुम यहाँ पे कर लेती हो। अब ठीक तो है ना? अब आपको ज़्यादा लगी नहीं ना? You fine, right? I'm fine. But how could you do this? और अब मेरे पास क्यों नहीं आई मासी? Why didn't you come? वनराज अंकल के वजह से ना, क्योंकि आप उनके साथ ज्यादा सेफ फील करती हो। वनराज अंकल अनिरुद्ध को हैंडल कर सकते हैं, हम दोनों होती तो शायद घबरा जाते। Anyways, it's good that you came here. हमने भी उसे यही कहा, तुम दोनों अकेली कैसे? ये तो कल रात को ही तुम्हारे यहाँ आने वाली थी, बड़ी मुश्किल से रोका इसे। करना हो क्या? महिला मुक्ति मोर्चे की ऑफिस हो गई और उसमें सबसे पहला केस तुम्हारे खिलाफ दर्ज होगा। वैसे अच्छा ही हुआ कि मासी यहाँ आ गई, मैं तो यहाँ आती रहती हूँ। अब हम सब मिलके तोशु भाई के सगाई के लिए डांस प्रैक्टिस करेंगे। परफेक्ट, जहाँ इन सबको सिखाया वहाँ तुम्हें भी सिखा दूंगा। अच्छा, क्या सिखाओगे? डांस खराब करना? थैंक यू सो मच अनुपमा आंटी, काव्या मासी की हेल्प करने के लिए थैंक यू। क्यों, काव्या हमारी कोई नहीं लगती? ये हमारी हर खुशी में शामिल होती है, तो हम इसके दुख में शामिल नहीं हो सकते? आप ना बहुत स्वीट हो, इनफैक्ट स्वीटेस्ट हो। कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बस हाँ, फिर हाय नंदिनी। अरे हाय, थैंक गॉड तुम आ गए, तुम्हारे बिना हमारा वो कपल डांस तो अधूरा रह गया था। अरे हाँ नंदिनी, जो डांस तुमने सिखाया था ना, वो बहुत ही अच्छा था। अरे बहुत काम पड़ा है, तुम लोग यहाँ डांस की प्रैक्टिस करो, मैं रसोई में जाती हूँ। अच्छा तो पहले सॉन्ग फाइनल कर लेते हैं, गला गुड़िया। नहीं, बाकी हमने कल डिसाइड किया था, बोले चूड़िया। तो इतना अच्छा गाना है। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? कल रात को जो हुआ क्या वो काफी नहीं था? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी। Anyway, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम कहाँ हो, और अब बैकग्राउंड की आवाज सुन के समझ में आ गया कि तुम अपने क्लोज फ्रेंड के घर पे हो। आई वॉज वरीड कि तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी, लेकिन फेक कंसर्न दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ फोन क्यों किया है? बताने के लिए कि मैं 2 दिन के लिए सूरत जा रहा हूँ, इनफैक्ट जाना पड़ रहा है, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। तुम अपनी कीज लेकर नहीं गई हो, इसीलिए हमेशा की तरह मैं चाबी गमले में छुपा कर जाऊंगा, ले लेना। टेक केयर। थैंक गॉड, अब थोड़े दिनों के लिए इस आदमी से छुटकारा मिला। वी, मैं घर जा रही हूँ, अनिरुद्ध 2-3 दिन के लिए सूरत जा रहा है, और वैसे भी मेरा यहाँ तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तुम लंच टाइम तक घर आ जाना प्लीज। सॉरी, तुम्हें डरा दिया। मैं तो बस तुम्हें चार्जर देने आई थी, वो स्वीटी ने कहा कि तुम्हारे फोन में फिट आएगा, लो। थैंक्स। चाय चाहिए होगी ना तो बता देना, मैं किचन में हूँ। अनुपमा, हाँ अनुपमा, मैं घर जा रही हूँ, अनिरुद्ध 2-3 दिन के लिए सूरत जा रहे हैं, और अब यहाँ रुकने की कोई जरूरत भी नहीं। और 2-3 दिन के बाद जब वो लौट के आएगा तब क्या करोगी? देखो काव्या, आगे का जो कुछ भी करना ना, ठंडे दिमाग से बहुत सोच समझ के करना, और जब तक इस समस्या का कोई एकदम ठोस हल नहीं मिल जाता ना, तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर अनुपमा, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों नहीं रह सकती? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये भी तुम्हारे घर है, इस अपना घर समझो। रही बात तुम्हारे कपड़े सामान की, तो हाँ, वो जाकर लेकर आओ। पर अनुपमा, मैं, हम सब हैं यहाँ, वहाँ तुम अकेली रहोगी। और तोसु के पापा भी 2-3 दिन सगाई में इतने बिजी रहेंगे कि ऑफिस आ नहीं पाएंगे। यहाँ हमारे बीच रहोगी तो अकेलापन नहीं होगा। और फिर तुम ये जितनी भी बातें हैं ये सब तोसु के पापा के साथ कर सकती हो ना, अच्छी तरह से सोच सकती हो। ठीक है, तो मैं घर से सामान ले आती हूँ। मेरे साथ चलो। नहीं अनुपमा, मैं ले आऊंगी। संभाल के जाना। हाँ अनुपमा की बात बिल्कुल सही है। मैं अपने घर जाऊंगी तो अकेली पड़ जाऊंगी। यहाँ रहूंगी तो वनराज के आसपास रहूंगी। हाय काव्या। इसे क्या हुआ? ये काव्या यहाँ कैसे? इधर आ, बताती हूँ। मिर्च मसाले के साथ शू थयु? कल रात ना इसके पति के साथ उसकी कहा सुनी हो गई और फिर मारपीट। डर के मारे यहाँ आ गई। अब आई तो आई, मेरी महान बहू ने इसे यहीं रोक लिया। अब तो लगता है सगाई तक रुकेगी। भाभी भोली है, नहीं जानती वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। घर में इतना पास रहते हुए भी हम लोग कितने दूर थे ना। कितना मिस किया मैंने ये सब। एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे घर में बहुत अच्छा लगा। सीरियसली, वी पहली बार लाइफ में मुझे फैमिली की इम्पोर्टेंस रियलाइज हुई है। तुम बहुत लकी हो वी कि तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी और स्वीट है। तुम लोग साथ में रहते हो, साथ में हंसते खेलते हो, यहाँ तक कि खाना भी साथ में खाते हो। तुम्हारे घर पे बहुत वार्मथ और पॉजिटिविटी है। और अनुपमा भी कितनी स्वीट है वी। ये तुम कभी अकेले नहीं रहे ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि अकेले रहना कितना पेनफुल होता है। ऑफिस से थक हार के वापस आओ, कोई एक गिलास पानी पूछने के लिए भी नहीं होता है, कोई बात करने के लिए नहीं होता है। बस अकेले बैठो, टीवी देखो, खाना खाओ और सो जाओ। वी आई विश मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा होती, बट आई नो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो वहाँ कुछ दिनों की मेहमान हूँ और उसके बाद फिर से वही अकेलापन, वही लोनलीनेस, वही झगड़े और वही डिवोर्स की लड़ाई। तुम अकेली नहीं हो काव्या, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। वी क्यों हम साथ रहकर भी साथ नहीं रह सकते? वी हमारे बीच में दूरियां नहीं है, लेकिन मजबूरियां इतनी हैं कि हमें ऐसा छुप छुप के मिलना पड़ता है। वी हम क्यों एक नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते? क्यों हम दुनिया के सामने एक दूसरे पर हक नहीं जता सकते? क्यों? What a visual! What a picture! आजकल फोन कैमरा पे भी कितने अच्छे फोटोज आ जाते हैं ना। सो नाइस। अरे तुम दोनों रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। वनराज, काव्या के सवाल का जवाब दो कि आखिर तुम दोनों दुनिया के सामने एक दूसरे पर हक क्यों नहीं जता सकते? बताओ बताओ बताओ। मुझे पता था कि मेरे जाने की खबर सुनते ही तुम दोनों यहां रंगरलियां मनाने आ जाओगे। कितनी अजीब बात है ना वनराज, लोग बचपन में पकड़े जाते हैं, टीनेज में, कॉलेज डेज में पकड़े जाते हैं। तुम अकेले हो जो अपनी मिडिल एज में पकड़े जा रहे हो। सो कूल ना। धनराज, आज मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना इसकी सजा तुम्हारे बेटे को भुगतनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आजकल नेटवर्क इतना फास्ट हो गया है ना कि ये सेंड बटन दबाते ही तुम दोनों की ये आपत्तिजनक फोटो, तुम्हारी होने वाली समधन मिसेस राखी दवे के पास पहुंच जाएगी। और मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मेरे पास मिसेस दवे का नंबर है। काव्या, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर मेरा दोस्त दवे कोचिंग सेंटर में बिजनेस हेड है। वनराज, अनुपमा जी तो देवी है। अगर मैं उनके पास दोबारा गया ना तो मेरी बात सुनना तो दूर, मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर कर देंगी। पर मिसेस दवे ऑथेंटिक टीवी सीरियल वाली वैम्प लगती है मुझे तो। अब वैसे भी वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। सोचो, अगर ये तस्वीर उनके पास पहुंच गई तो उन्हें तो मौका मिल जाएगा ना ये रिश्ता तोड़ने का। यही सोच रहे हो ना कि ये सब मुझे कैसे पता। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने फ्री टाइम में कभी कभार ड्रिंक्स के साथ तुम दोनों की चैट्स पढ़ लेता हूं। So I exactly know कि तुम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, वनराज तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है। I know everything. Honestly, वनराज, मैं तुम्हारी स्वीट भोली सी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, पर क्या करूं, तुम्हें तो यही भाषा समझ में आती है ना। खबरदार अगर मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया अनिरुद्ध। ये बात तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले सोचनी चाहिए थी वनराज शाह। एंगेजमेंट हो भी जाए लेकिन शादी नहीं होगी। इस शादी को तोड़ने के लिए कोई तुरुप का इक्का हाथ लगना बहुत जरूरी है। सगाई होने से पहले टूट जाए तो सिर्फ अफसोस होता है, लेकिन सगाई होने के बाद टूटे तो अफसोस के साथ साथ बदनामी भी होती है। मुझे तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बात बहुत मैटर करती है। शाह परिवार इसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। मैम, ये देखिए, ये वाली बेटा खाओ आप। मम्मी आ बहुत सरस आ सीक्वेंस छे। मम्मी बहुत सरस लागे छे। मैं सारे रिश्तेदारों को कॉल कर देता हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे। तू किसी को 10 बार न्योता देगा तो किसी को 1 बार भी नहीं। मैं फोन करता हूँ, तू टिक मार्क करते जा। बोली चूड़िया पुराना हो गया। तोशु भाई को वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सॉन्ग पसंद नहीं आ रहा। तोशु भाई, इसमें दिल्ली वाली लड़की थी, वो पिंजू बेबी को पसंद नहीं। चुप कर। तो फिर किस पे डांस करेंगे पाखी? तू सबकी पसंद का सॉन्ग लेकर एक सॉन्ग बना लेती है। मैगी, नॉट बैड। तू तो मेरे साथ रह के बहुत इंटेलिजेंट हो गई। रमेश भाई, इससे अच्छे मेरे घर के पर्दे हैं। हाँ, कोई सारी साड़ी देखा हो। वाह, आजकल तो ये फैशन है फैशन। कैटरीना और करीना भी यही सब पहनती है। अरे करीना कैटरीना नहीं, निरूपा रॉय वाली स्टाइल बता। तू क्या दांत दिखा रहा है? बाल बेचना है ना? जी हाँ, बेचनी है। ये आपके लिए। भाभी, आप पे ना ये वाली साड़ी बहुत सूट करेगी। सुंदर है ना? तो आइए ना, यहाँ आकर फाइनल कीजिए। उसके यहाँ आने से क्या साड़ी में हीरे मोती लग जाएंगे? हाँ, लड्डू बनाना ज्यादा जरूरी है। तू बैठ, हम पसंद कर लेंगे। जी बा। और वैसे भी डोली, तेरी पसंद ना बहू की पसंद से ज्यादा अच्छी है। पर शादी से पहले इसने कहा अच्छी साड़ी देखिए। इसे क्या पता कि महंगी साड़ी कैसे खरीदी जाती है। बात बिल्कुल ठीक कह रही है डोली बहन। मुझे वैसे भी ये साड़ियों की इतनी समझ नहीं है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आप ही देख लो। ये काव्या कहाँ रह गई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। भगवान करे हाँ सब ठीक हो। हालांकि हम दोनों के बहुत झगड़े होते थे, लेकिन अगर तुम हमारे बीच नहीं आए होते ना तो हम वो सारे गिले शिकवे सुलझाकर आज भी साथ होते। मैंने जिंदगी में बहुत गलती की है, और अब ना तो मैं खुद काव्या को दुख दूंगा ना ही किसी और को देने दूंगा। बकवास बंद कर अनिरुद्ध। बकवास तुम बंद करो और भूलो मत, बाजी अब भी मेरे हाथ में है। लिटरली स्पीकिंग, भेज दूंगा। अगर ये फोटो उन तक पहुंच गई ना तो ना सिर्फ तुम्हारे बेटे का रिश्ता टूट जाएगा, तुम्हारी बीवी का विश्वास भी टूटेगा और तुम्हारा घर भी टूट जाएगा और दुनिया में थू-थू होगी वो अलग। अनिरुद्ध प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, डोंट डू दिस। तुम्हें मुझसे इशू है ना, वनराज से इशू है, इसमें इनकी फैमिली को घसीटने की क्या जरूरत है? इनके बच्चों की लाइफ मत बर्बाद करो प्लीज। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तो जस्ट इमेजिन ये फोटो अगर लीक हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। प्लीज डिलीट दिस पिक्चर अनिरुद्ध, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। ठीक है, मैं ये फोटो मिसेस दवे को नहीं भेजूंगा। इनफैक्ट अनुपमा जी या वनराज के किसी भी फैमिली मेंबर को भी नहीं भेजूंगा। I promise. पर मैं ये फोटो डिलीट भी नहीं करूंगा। पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। अपनी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड से दूर रखने का अब यही एक तरीका है मेरे पास। काव्या, माना कि तुमने मेरी वजह से बहुत दुख झेले, पर मेरा यकीन मानो, ट्रस्ट मी, ये आदमी तुम्हें मुझसे भी ज्यादा दुख देगा। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, ये तुम्हारा दिल भी तोड़ेगा, तुम्हारा विश्वास भी, यहां तक कि ये तुम्हें भी तोड़ देगा। और हाँ, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। ये अच्छे है रमेश भाई, साइड में रखो। कमाल है, जब खराब कहता हूँ तो अच्छी कहते और जब अच्छी कहता हूँ तो खराब कहते। जब हमारी सुननी नहीं है तो हमें पूछती क्यों है? लोग सच कहते हैं, औरत को तो भगवान भी समझ नहीं पाता। तो आप इंसानों के क्यों ट्राई कर रहे हो? तूने तो कोशिश की बिना हार मान ली है जीजू, इसीलिए मैं खुश हूँ। चल बोल ये क्या कर रहे हो तुम लोग? साड़ी गंदी हो जाएगी। हटा। कुछ नहीं होगा मम्मी, आप बस हिलिए मत, ओके? पर तुम दोनों कर क्या रहे हो? के लिए साड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं आंटी? क्या? अभी मैं पिक्चर्स क्लिक करके पापा को भेजूंगा और कहूंगा कि मम्मी पूछ रही है कि कौन सी साड़ी अच्छी। पागल थे गोचे, यहाँ बाप बापू जी सब है, देख लेंगे, क्या कहेंगे? कोई नहीं देखेगा आंटी। लेकिन हमने देख लिया। आप तो अंकल की पसंद की साड़ी लेना चाहती है ना? कुछ भी, चुप कर। ओ, मेरी मम्मी शर्मा गई। So cute। मेरी मम्मी को क्यूट नहीं बोलना। क्यों? ये क्यूट नहीं है क्या? सबसे ज्यादा क्यूट है, लेकिन वो सिर्फ मैं कह सकता हूँ और मम्मी के करीब जाने की कोई जरूरत नहीं। ओके? अच्छा तो लो, आ गए करीब। मम्मी यार चुप करने समर और नंदिनी साड़ी हटा। ओके फाइन, मैं फटाफट साड़ी पिक्चर्स क्लिक कर लेता हूँ। मैं और लेके आती हूँ। और कोई? बस बोल, लाल पल्लू वाली। मैं लेके आती हूँ। ओके, अब मैं ये सारी पिक्चर्स पापा को भेज देता हूँ और वो जो फाइनल करेंगे वही आपकी फाइनल चॉइस होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।